मेडिकल साइंस, मैंने कहा कि बुरी चीज नहीं है, तो जब मेडिकल साइंस मेडिसिन भी काम ना करे तो फिर क्या करें? तीन डॉक्टर बदल दिए, कोई समझ नहीं आ रही, दर्द से तड़प रहे थे, बड़ी तकलीफ में थे। अभी अपने पिक में देखा, प्रार्थना के बाद पूरा इतना रेशा निकला, उससे इतना रेशा। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम जसबीर है और जे लक्ष्मीनगर गांव के रहने वाले हैं, और इस सिस्टर की गवाही जे बता रहे हैं कि एक महीना हो गया था इनके पेट पर काफ़ी बड़ी गिल्ट की प्रॉब्लम थी, और जिसके कारण बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती थी और बहुत परेशान थे। हम उस समय की पिक को देखते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी गिल्टी थी और जे बता रहे कि जिसके कारण जे बहुत परेशान थे, और जैसे जे बता रहे कि डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने मेडिसिन भी खाई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि, क्योंकि इन्होंने बताया कि 1.5 साल पहले इनका सिजेरियन ऑपरेट हुआ था बेबी का, तो जे बता रहे कि डॉक्टर ने बोला कि आपके जो स्टिचिंग है, जो टंके हो सकता वो भर गए होंगे, जिसके कारण जे गिल्टी बढ़ गई है। तो इन्होंने बताया कि उन्होंने फिर मेडिसिन दी पर उसके कारण भी कुछ नहीं था। फिर इन्होंने दूसरे डॉक्टर को बताया तो उसने भी कहा कि क्योंकि इन्होंने फिर बताया कि जो जे अपना काम करते, भट्टे पर इट्टे बनाने का काम करते, तो डॉक्टर ने बोला कि फिर हो सकता है कि जो भी आप काम करते वो बैठकर जो इट्टे बनाने का काम करते, तो बैठने के कारण आपके पेट पर गिल्टी की प्रॉब्लम हो गई है। तो जे काफ़ी परेशान हो चुके थे क्योंकि बहुत ज़्यादा जे तकलीफ में थे, बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी, जे काम करने में इन्हें तकलीफ रहती थी और जे काफ़ी परेशान हो चुके थे। फिर इन्होंने तीसरे डॉक्टर से मेडिसिन खाई, फिर भी जे बता रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और एक महीना हो गया था कि इन्होंने तीन डॉक्टर बदल लेते पर डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रही थी, और वो मेडिसिन दे रहे थे पर फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ा था, दर्द भी बहुत ज़्यादा थी, स्वेलिंग भी बहुत थी। और जे बता रही कि जैसे फिर जे लगातार संडे की मीटिंग तो अटेंड कर रहे थे, जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा परफेटिक वर्ड आया था कि आपने प्रभु बोस की मीटिंग के बाद भवन में एक हफ्ते की प्रेयर होगी और आपने अटेंड करनी है, तो फिर इस सिस्टर ने मार्च महीने की मीटिंग को अटेंड किया। प्रेयर के दिन जे सिस्टर बता रहे कि प्रेयर में आते रहे, और जैसे इन्होंने प्रेयर मीटिंग को अटेंड किया और 27 मार्च के दिन जो बता रहे कि उस दिन 27 मार्च की तारीख थी, और इन्होंने परमेश्वर के दास को जब बताया कि जी काफ़ी प्रॉब्लम है, तकलीफ में, तो फिर इनके लिए परमेश्वर के दास के द्वारा जो इनके पेट पर गिल्टी की प्रॉब्लम थी, इसके लिए इनके लिए प्रेयर हुई थी। हम उस समय की वीडियो को देखते हैं। आत्मा, गिल्टी देने वाली आत्मा, शट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से मैं आज्ञा करता हूँ, चल आज से चल छोड़ इसके पेट को जो तूने शैतान इसे गिल्टी दी है, शट इन द नेम ऑफ जीसस। क्लिप को दोबारा से स्टार्ट करूं? यस, आवाज नहीं आई ना। मैं तेरे जीवित नाम से चंगाई की घोषणा करता हूँ, आज से ये सारी गिल्टी गायब। आत्मा, गिल्टी देने वाली आत्मा, शट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से मैं आज्ञा करता हूं, चल आज से चल छोड़ इसके पेट को जो तूने शैतान इसे गिल्टी दी है, शट इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। यस खुदा, मैं तेरे जीवित नाम से चंगाई की घोषणा करता हूं, आज से ये सारी गिल्टी गायब हो, काइपो यीशु मसीह, सारी सूजन, सारी दर्द यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से जड़ से खत्म। यस, ब्लेस घोषित करता हूं और साथ घोषित करता हूं, ठीक है। और जब इनके लिए परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना हुई थी कि जो इनके पेट पर गिल्टी की प्रॉब्लम थी, तो जब बता रहे कि इनको परमेश्वर के दास के द्वारा वचन दिया गया कि आपने अभी संदेह नहीं करना जी कनेक्टिविटी के प्रभाव के कारण, क्योंकि इतनी मेडिसिन भी खा ली पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बस अपने धन्यवाद करना ही, परमेश्वर आपको इससे जल्दी आज़ाद कर चुके इस प्रॉब्लम से। और जब बता रहे कि जैसे जो विश्वास कर रहे थे, प्रार्थना में आए थे और जो धन्यवाद करते रहे कि परमेश्वर आप मुझे इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से फ्री कर चुके हो, और जब बता रहे कि 27 मार्च को इनके लिए प्रेयर हुई थी, और 31 मार्च के दिन जब बता रहे कि जैसे जो मीटिंग अटेंड कर गए, तो जब बता रहे कि शाम के टाइम ही
जितना भी जो बता रहे गिल्टी जो थी इनको तो पता नहीं, पर वो पस रेशे से भरी हुई थी। और जो बता रहे कि 4 दिन बाद ही पूरी तरह से उस गिल्टी से बहुत ज्यादा रेशा निकल गया। और हम उस समय की पिक को देखेंगे कि जिस समय बहुत ज्यादा रेशा निकला था, और आज बहन पूरी तरह से उस प्रॉब्लम से फ्री हो चुकी है। तो हम उस पिक को देख सकते हैं कि कितना ज्यादा रेशा निकला था जब इन्होंने जब बताया कि 4 दिन बाद ही परमेश्वर ने इस बड़ी प्रॉब्लम से गिल्टी की से इन्हें आजाद कर दिया, जो कि इनको बहुत ज्यादा तकलीफ रहती थी, दर्द रहती थी, और आज बिल्कुल इस प्रॉब्लम से जी फ्री हो चुके। तब हम इस समय के भी पिक को देखेंगे और जो नॉर्मल पिक है कि अभी इनके पेट पर कोई गिल्टी नहीं है, कुछ नहीं है, पूरी तरह परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से इस बहन को शुवर पूरी तरह से आजाद कर दिया। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया चोट से। माइक दो इन्हें, माइक। जय मसीह की। कितनी बड़ी गिल्टी थी जी? पापा जी वाह इतनी आ रही होगी, मतलब काफी इतनी बड़ी गिल्टी बन गई थी। हाँ बोलो क्या है? इतनी बड़ी गिल्टी बन गई, मेडिसिन तो खा रही, एक नहीं 3 डॉक्टर बदल दिए, कोई आराम नहीं। मेडिकल साइंस, मैंने कहा कि बुरी चीज नहीं, पर जब मेडिकल साइंस मेडिसिन भी काम ना करे तो फिर क्या करें? 3 डॉक्टर बदल दिए, कोई समझ नहीं आ रही। दर्द से तड़फ रहे थे, बड़ी तकलीफ में थे। अभी अपने पिक में देखा, प्रार्थना के बाद पूरा इतना रेशा निकला उससे, इतना रेशा देखा ना पिक में, इतना रेशा निकला उससे। सुनो, पर कैसे निकला? जब भी आपके ऊपर प्रार्थना होती है, आज भी होगी ना, आप भी ले हैंड के द्वारा होगी, पर जैसे प्रार्थना हुई तो फिर आप क्या करते रहे प्रार्थना होने के बाद? पापा जी मैं धन्यवाद देती रही कि जो परमेश्वर तेरे दास के द्वारा मेरे ऊपर प्रार्थना हुई है वो हो, हाँ जी हो चुका। सबसे पहले तो ये इस मिनिस्ट्री की आपके लिए सबसे बड़ी बात है, पॉजिटिव प्रेयर, पॉजिटिव विश्वास कि ये मेरे लिए हो चुका है, शक नहीं करना। तो धन्यवाद देते रहे, बोलो क्या है? धन्यवाद देते रहे। जब ऐसा विश्वास रखा, संदेह नहीं किया, चौथे दिन सारी अंधकार के गिल्टी को जो रेशे से भरी थी, सारी पस को परमेश्वर ने बहन ऐसे बहकर सारा निकाल दिया, रेशा सब खत्म कर, जो तड़फ रहे थे तड़फ रहे थे। बोलो क्या है? तड़फ रहे थे तड़फ। कितने मेरी बात समझ रहे हैं, कितने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का जो नियम है हमें सबको उसमें आना पड़ेगा। बोलो क्या आना पड़ेगा? ये 1.5 महीने से परेशान थे, पहले आ तो रहे थे, विश्वास कर रहे थे, क्या कर रहे थे बोलो, विश्वास तो कर रहे थे, पर जब नहीं हुआ, बात की, प्रार्थना हुई, प्रतिति कही, नहीं ये हो चुका है, तो ये हो गया, आज आपके सामने है, बिल्कुल भले चंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मुश्किल नहीं। इसी तरह से आपने विश्वास करना है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, आपकी रसौली, पथरी, गिल्टी, कोई भी आपकी घुटनों की प्रॉब्लम, आपकी हिप की, आपकी रीढ़ की हड्डी की, बनकों की, आपकी सिर की है, हाँ आपकी पेट की, आपकी कैसे भी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, किस कोई भी चीज आपको चाहिए, किस चीज से परेशान हो, अपने प्रतीत करना। कहते मेरी बात समझ, फिर आपके लिए भी क्या हो जाएगा, मैं बोल रहा हूं फिर आपके लिए भी क्या हो जाएगा, आपके लिए भी हो जाएगा। कितने विश्वास करते हैं कि मेरे लिए भी हो जाएगा? क्योंकि जब जब संदेह, जब मन कहते ना, मैं अभी कहूं करता, कभी इधर ध्यान, कभी उधर ध्यान, फिर नहीं होता। जब तुम मन को स्थिर करते हो, क्योंकि करना किसने है, मैंने कहा करना किसने है, तो परमेश्वर की कभी भी उस सामर्थ पे शक मत करो। इसने शक नहीं किया, इसने विश्वास किया और इसके लिए हो गया, क्योंकि इसने कहा विश्वास करने वालों के लिए क्या हो जाएगा, कुछ कुछ कि सब कुछ हो जाएगा, कुछ कुछ होगा कि सब कुछ हो जाएगा, फिर आप जो चाहते वही हो जाएगा। आमीन। जोर से तारीफ करो, जोर से तारीफ करो।
हाथों को हलाकर टूटे गए खुशी से बटे सारे मुक गए सारे दुख बंधन टूटे गए ये तू नासरी ने कदम मचिया के वैन दुखिया के फुट